गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 8.2। उसका फर्स्ट टर्म है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल दूस लेंथ आर लेंथ एंड ब्रिथ आर एज फॉलोइंग। मतलब कि हमने एरिया पता करना है जिसकी लेंथ हमें गिवन है। सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है हमारी 9 मीटर, ठीक है 9 मीटर है। और ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 7 मीटर, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ले लेना है 9 और मल्टीप्लाई करना है हमने 7 को। अब हमें पता है कि 7 को करेंगे 9 के साथ तो हमारा आएगा 63। 7 9 का 63 या 9 7 का 63 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से बेटा मैंने ये सारे पहले इसलिए लिख दिए क्योंकि हमारे जो वीडियो थी ना वो बहुत लॉन्ग बन जानी थी, इसलिए मैंने फॉर्मूले वगैरह सारे लिख दिए ताकि आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला मैं दूं और आपको लर्न हो जाए, ठीक है। सो अब हमें जो लेंथ गिवन है वो है 85 cm, ठीक है। जो ब्रिथ गिवन है वो है 76 cm। अब हमने क्या करना है, 85 और 76 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 85 और 76 को मल्टीप्लाई किया तो 6 5 का 30, 0 यहाँ 3 यहाँ पे, और आगे आ जाएगा 48 और 3 हमने प्लस कर दिए तो 51 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा 7 5 का हो गया 35, ठीक है। 5 यहाँ 3 यहाँ, अब है 7 8 का हमारा हो जाएगा 56, 56 और 3 59, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 0 6 14 4 आ गया और 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर cm है, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इसी तरह से हमने अपना थर्ड सम सी सम कर लेना है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 23 cm, ठीक है। तो ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल 18 mm, ठीक है, ये कर देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, 23 और मल्टीप्लाई 18 कर देना है। 18 को हम यहाँ पे करेंगे 23 को 18 के साथ, 8 3 का 24 4 यहाँ 8 2 का 16 और 2 18, ठीक है। इसके बाद हमारा 1 पे जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब हमने इसको प्लस कर देना है या मल्टीप्लाई किया या प्लस कर दिया और ये हमारा आ गया 11 11, 1 यहाँ 1 इसके ऊपर और ये हमारा 4 आ गया। ये भी हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हमने कर लेना है अपना डी सम। सबसे पहले कॉपी सेट करेंगे, डी सम की हमने सेटिंग कर लेनी है सबसे पहले। हाँ जी, यहाँ पे दिया है 5 मीटर और 85 सेंटीमीटर। तो जो हमने सबसे पहले इसका क्या करना है कि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हमने करना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 मीटर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 500 लिख देना है। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो हमने यहाँ पे भी सेंटीमीटर था, यहाँ पे मीटर था, तो हमने पहले मीटर में बना दिया इसको, फिर हमने आगे सम करना है, ठीक है। इस तरह से हमने आगे लिखना है ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा 85। अब जो हमारा 85 आ गया, अब हमारा एरिया ऑफ लेंथ है ये वाला 500
मल्टीप्लाई 85। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 के साथ, ठीक है। तो 00 और 25 हो गया, फिर यहाँ पे 00 दो जीरो, ओ सॉरी यहाँ पे क्रॉस लगा देना, फिर यहाँ पे दो ज़ीरो आ गई और फिर 85 का 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अब कर देना है इसको प्लस 00524, ये हमारा आंसर आ गया स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमने अपना ई सम कर लेना है। ई सम करने के लिए भी हमने यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे 840 सेंटीमीटर और 7 मीटर है, तो हमने यहाँ पे जो सेंटीमीटर है उसको तो कुछ नहीं करना, पर जो हमारा मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमने किया 7 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये हमारा 700 हो गया। हमें पता है कि एक मीटर में बिकॉज कर यहाँ पे लिख लो, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आप ब्रैकेट में अपनी आप याद रखने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लेंथ है और ब्रेथ कितनी होगी, हमारी लेंथ होगी 840 मल्टीप्लाई और ब्रेथ कितनी होगी 700, ठीक है। अब हमने 800 को कर देना है, सॉरी 840 को कर देना है 700 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, जीरो के साथ 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 और 0, फिर दो बार क्रॉस डाल देना हमने, और फिर हम करेंगे यहाँ पे 8 4 का 28, 7 4 का कितना हो गया 28, 2 यहाँ, फिर हमारा आ जाएगा 7 और 7 को करेंगे 56 और 56 को में 2 प्लस किया 58 हो गया, ठीक है, 00885, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर पता करना है तो यह हमारा स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह हमने दूसरे सम अपने कर लेने हैं। दूसरे सम करने के लिए पहले पेज सेट करेंगे अपना, तो ये हमारा पेज सेट हो गया है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर दो साइड इज, मतलब जितने भी हमें दी हुई है हमने एरिया जो है अब फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने करना है साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, हमें कितनी दी हुई है 25 है ना साइड ऑफ स्क्वायर, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड बाय साइड, इसका मतलब है कि हमने 20 मल्टीप्लाई 25 करना है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 का 25 आ गया, 5 यहाँ 2 इधर 5 2 का 10 और 12 आ गया, फिर हमने किया 5 2 का 10 0 यहाँ, 4 4 2 2 का 4 और 5 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब हमने प्लस कर देना है 5 2 और 6, इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो है 625 स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हमें हमने बी सम कर लेना अपना, जैसे ये हमें बी सम दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने लिख लिया पहले साइड ऑफ स्क्वायर कितना 48 है, तो फार्मूला एयर ऑफ स्क्वायर कितना 48 मल्टीप्लाई 48 को हमने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 8 का 64 4 यहाँ, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा 8 8 को करेंगे 24 के साथ, तो 20 कितना आएगा 24 72, ठीक है, सॉरी 32 8 8 4 का हमारा आ जाएगा 32 और ये हमारा कितना आ जाएगा 32 में हमने कर देना है 6 प्लस, तो कितना आ जाएगा 38, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने 8 को करना है किसके साथ 4 के साथ, तो हमारा कितना आ जाएगा
32, ठीक है, 32 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 का 16 और ये हमारा आ जाएगा ये 3 19, ठीक है, यहाँ पे हमने 19 लिख दिया। ये अब प्लस कर देंगे 4, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1 इसके ऊपर 9, 3 और ये 1 14 नहीं 13 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 कैरी 13 और ये हमारा आ गया 2। हमारा ये आंसर आ जाएगा 2304, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर में है सी एम, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बेटा आपने सिर्फ फार्मूले इसके लर्न करने हैं, जो भी आपको जैसे साइड पता करना है तो आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, अगर आपने ट्रायंगल पता करना है तो आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये सारा अच्छी तरह से आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने करना है साइड ऑफ स्क्वायर कितना हमारे पास 27, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना 27 × 27, तो हम इस यहाँ पे करेंगे 27 को मल्टीप्लाई, 7 × 49 और 9 यहाँ और 4 यहाँ, फिर 4 × 7 = 14 और 4 कितना आ गया 18, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा 2 × 7 = 14, 1 यहाँ, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस कर देते हैं 8 × 4 = 12 और 1 यहाँ पे 5, 6, 7 आ गया यहाँ पे हमारा आंसर। तो ये भी कौन क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर, इसमें हमारा आ जाएगा आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा। आगे हमने करना है अपना डी सम, डी सम के लिए पेज करेंगे पहले अपना अच्छी तरह से सेट, तो फोल्ड ही कर लेते हैं इसको, ये भी हमारा, हाँ जी, अब हमने करना है इसको फोल्ड। तो देखते हैं, हमने साइड ऑफ स्क्वायर लिखना है सबसे पहले, साइड ऑफ स्क्वायर 87, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर हमारा 87 आ गया, और इसके बाद हमने 87 × 87 कर दिया। अब हमने 87 को मल्टीप्लाई किया तो 7 × 7 = 49 आ गया ना। फिर हमने करना है 7 × 8 = 56 और ये हमारा आ गया 460, ठीक है। इसके बाद फिर यही आ जाएगा हमारा, पूरी सेम डिजिट आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा, 8 × 7 = 56, यहाँ पे 6 आ गया, 8 × 8 = 44 और ये ना जो हमारा 4 है उसमें प्लस हो जाएगा, 69 आ जाएगा। तो अब हमने इसको प्लस कर देना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 15 बन गया और यहाँ पे 1 ऊपर और ये हमारा 7 बन गया, ठीक है। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया 7569 square cm, ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। इस तरह से ये हमारे साइड वाला फॉर्मूला भी, आई होप कि आपको लर्न हो गया होगा, और ट्रायंगल वाला भी फॉर्मूला। अब हमने करना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट तो लेंथ इज 62 और ब्रिथ इज 38 मीटर। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्क कितना है, पार्क की तरह लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी दी हुई है हमें, लेंथ है 62 और ब्रिथ कितनी दी हुई है, ब्रिथ है 38, ठीक है बेटा। तो फिर ये हमने ये वाला फार्मूला अब यहाँ लिख लो, ठीक है। तो हमने ये वाला फार्मूला फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ
रिक्टेंगल इक्वल टू लेंथ ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे हम 62 को करेंगे 38 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हमने किया इसको 38 को मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा आंसर, यहाँ पे कर देते हैं 38 ए टू का 16, 6 यहाँ, अब है 6 8 6 48 और 9। ठीक है, फिर हमारा अगर 36 करेंगे और ये हमारा 18 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 15 और ये हमारा 8 और 12 13 और यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा 233 56 स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब हमारा है फॉर सम द साइड ऑफ कैरम बोर्ड इज 60 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। अब साइड ऑफ कैरम बोर्ड हमारा 60 है तो फाइंड क्या करना है, एरिया स्क्वायर करना है ना इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो हम 60 60 को करेंगे मल्टीप्लाई 0 0, फिर यहाँ पे 0 और 6 6 का 36, तो यहाँ पे हमारी हो जाएगा 3600 स्क्वायर cm आंसर। ठीक है बेटा, इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो कंप्लीट तो नहीं हुई, हमने सिर्फ इसका 1 से लेके 4 पार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। टेक केयर।